கொஞ்சம் வெயிட் கரோ ले प्रिंसु एना दादा नी वेट करे छे हा दादू आईवा दादू आईवा क्यां गया दादू रानु है ना दादा की वेट करके खड़ा है यहाँ पे उसके साथ मैं भी खड़ी हूँ हाँ दादा ने वेट करे छे दीका जो दादू आईवा जो क्या दादू क्या खबर चाली ये मैंने है ना थोड़ी सुबह मलाई निकाल ली थी और अभी मैं अमूल का बटर बना दूंगी। इसका बटर तो बन गया है। इसमें है ना हल्का सा नमक, क्योंकि अमूल बटर थोड़ा सा सॉल्टी लगता है, और हल्की हल्दी, इतनी ही हल्दी मैं डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप है ना बटर का कलर देख सकते हैं, एकदम लाइट येलोइश जैसा अमूल बटर का कलर आता है वैसा ही। अभी मैं इसको एक बाउल में सेट कर दूंगी। ये पूरा डब्बा भर के मेरा बटर रेडी हो गया। अभी है ना रांचू को फ्लैश लाइट लेकर ला रही हूँ। लाइट न थी तो इन्हें ना बुझे कब से बाथरूम हाँ में तो इन रोला में लो चलो हम तो नवड़ी पी जाए जमी ली ना चलो जय श्री कृष्ण राधे राधे प्रांसु प्रांसु ये देखाई पड़ छे आयो એટલે એમાં મસ્ત છે છતો 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 એનો નીનો પડછાયો દેખાય ને એમાં મજા આવે છે ભાઈ ને મેં તો લાઈટ ઓન થઈ પછી મોકલ દે છે અત્યારે નવડે કા છોકરા ભાજી પરફેક્ટ ટાઈમ લાગે चलो आज आप लापसी करे छे भाखरी नो करकरो लोट छे सेकी लईए
પલાળ્યા છે, ગરમ પાણીમાં પલાળ્યા છે મગ, પછી બાફી નાખશું. ભાજી છે ને બફાઈ ગઈ છે, હવે બંસી વઘાર કરશે. જો એક વાટકો લોટ હતો અને આપણે પાણી લેવાનું છે, આ ગોળ નાખીને પાણી કરવાનું, એટલે પાણી ઓછું રાખવાનું લોટ કરતા. ગોળનું પાણી થાય એટલે આપણે એ પ્રમાણે પાણી લેવાનું છે. જો લોટ સેકાઈ ગયો હવે એમાં જ આપણે એક તો પહેલામાં પાણી નાખી દઈશું. હવે ધીમે ગેસ કરી નાખો અને ખદખદે છે, નીચે પાણી છે એટલે ધીમે ધીમે. એક વાટકો લોટ હોય ને તો એનું ઓછું નાખવાનું પાણી, વધારે નહીં, ઓછું નાખવાનું, એટલે સરસ આમ ખદખદી જઈને એકદમ છૂટી થાય.
श्रीनाथ जी आज मारा मंदिर माले श्रीनाथ जी अभी मैं बना रही हूँ जैन पाव भाजी मम्मी के लिए। जैन मम्मी कांदा लहसुन नहीं खाते हैं उसके लिए, तो मम्मी की भाजी में मैंने डाला है कैप्सिकम, और आंटी यहाँ पे बना रहे थे मूंग, और पापा ने बनाई है चटनी, और यहाँ पे हमारी पाव भाजी है, छाछ है खाने में, मूंग है, लापसी बनाई थी, मोग लापसी, हमें गुजराती माँ कही आज हम मोग लापसी बनाया था, मसाले वाले बन बनाए थे, चटनी और पार्थ को है ना चटनी फ्राई करके खानी थी, तो पार्थ के लिए चटनी फ्राई की थी, और साथ में हमारा देसी बटर था, मोहन थाल था, नींबू था, पापड़ वगैरह थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने बन है ना मसाले वाले बनाए थे, और सैलड था, और यहाँ पे प्रांशु तीनों दादा और पापा के साथ एंजॉय कर रहा था, और मैं मम्मी आंटी और नमस्वी खाना खाने बैठ रहे थे। तो हमने तो बहुत एंजॉय किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो अभी तक आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, जय श्री कृष्ण एवरीवन।